हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ 3 बेडरूम का फुल डुप्लेक्स इंडिपेंडेंट हाउस, JD अप्रूव्ड, 820 फीट रोड के पास का मकान। तो अगर आप चाहते हैं जयपुर में प्राइम लोकेशन में इंडिपेंडेंट हाउस लेना, तो प्लीज़ इस वीडियो को शुरू से लेके और लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा, और पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन बेल भी दबा लीजिएगा, ताकि आपके पास हमारे सभी नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच सके। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं और आपको दिखाते हैं 3 बेडरूम का फुल डुप्लेक्स इंडिपेंडेंट हाउस। तो दोस्तों, ये आप सामने देख सकते हैं, यही वो मकान है जिसकी आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। दोस्तों, ये 3 बने हुए हैं, जो कॉर्नर वाला है वो सेल हो चुका है, और ये 2 हैं जो सेल होने बाकी है। तो ये आप सामने इसको फ्रंट से देख सकते हैं, कुछ ऐसे नज़र आते हैं। और ये देखिए, इसकी पूरी जो लाइन है यहाँ पर पश्चिम देखते हुए सभी बने हुए हैं। यहाँ पर आपको 30 फुट रोड मिलती है दोस्तों इसके सामने, और ये पूरे पश्चिम देखते हुए मकान है। और उधर वाली जो लाइन है वो भी आप देख सकते हैं सामने, ये भी पूरे बन रहे हैं। तो काफ़ी अच्छा रेजिडेंशियल एरिया ये बन रहा है। और रोड की बात करें तो देख सकते हैं आप सामने, ये 820 फीट रोड मिलती है आपको इसके सामने, इसके जस्ट पास में ही आपको ये मकान मिलता है। तो चलिए एंटर होते हैं अंदर और दिखाते हैं आपको। यहाँ से होती है अपनी एंट्री, और ये आपको मिलता है पार्किंग का स्पेस, और यहाँ पर एक पेंटिंग भी लगी हुई है जो काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है। और यहाँ पे आपकी एक 4-व्हीलर भी आसानी से खड़ी हो जाएगी दोस्तों। और दोस्तों, रूम साइज और जो पार्किंग का स्पेस है, उन सब की जो साइज है वो मैं बाद में स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगा, ताकि आपको पता रहेगा कि किस साइज में आपको रूम मिल रहे हैं। और ये अपनी होती है एंट्री, यहाँ पे सबसे पहले मिलता है आपको हॉल, और हॉल के अंदर ये देखिए आप हॉल की जो रूफ, और ये यहाँ पे साइड वॉल मिलती है, ये आपके लिए टाइल्स मिलती है यहाँ पे, और ये बाथरूम, और यहीं पे सामने की तरफ मिलती है आपको विंडो हॉल में। और दोस्तों, ये जो स्टेयर से फर्स्ट फ्लोर पे जा रही है ये देखिए, और इसके नीचे वार्डरोब का पूरा काम आपको इसके अंदर मिलता है। और फ्रंट के अंदर ही मिलता है आपको मॉड्यूलर किचन, ये देखिए। चलिए एंटर होते हैं फर्स्ट बेडरूम में। तो ये है पहला बेडरूम, और इसकी जो डिजाइन है वो आप देख लीजिए। यहाँ पे वार्डरोब मिलता है आपको, और पीछे की तरफ मिलता है आपको स्पेस। तो चलिए दोस्तों, लेके चलते हैं फर्स्ट फ्लोर पे, और जो 2 बेडरूम है वो भी आपको दिखाते हैं। दोस्तों, प्लॉट की साइज की बात करें तो 15x36 की साइज है, मतलब 15 फ्रंट है और 36 इसकी लंबाई है। JD अप्रूव्ड है, JD अप्रूव्ड में 90% तक लोन हो जाता है दोस्तों। सबसे पहले मिलता है आपको हॉल, और दोस्तों हॉल की जो डिजाइन है वो कुछ इस तरह है। और ये है अपना दूसरा बेडरूम फ्रंट में, और ये देखिए इसको,
दोस्तों ये सिर्फ और सिर्फ 60 गज का प्लॉट है, 15x36 इसकी साइज है, जिसमें 3 बेडरूम और वो भी बहुत सही साइज में आपको मिल रहे हैं JD अप्रूव्ड में। यदि आपका बजट कम है और JD अप्रूव्ड ही लेना चाहते हो तो ये बेस्ट ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। दोस्तों रेट की बात करें तो इसकी जो डिमांड है वो है 30 लाख की और ये सामने 120 फुट रोड मिलती है आपको। दोस्तों ये कारवार रोड से गोविंदम टावर के अपोजिट से जो रोड आ रही है वही रोड है 120 फिट, जो इधर कनकपुरा की तरफ आपको लेके जा रही है और इधर कालवाड रोड की तरफ पश्चिम देखते हुए मकान है। दोस्तों ये 30 फुट रोड है सामने और ये है बालकोनी इसकी। और दोस्तों हॉल के अंदर ही आपको ये मिलता है दूसरा बाथरूम। और दोस्तों ये है तीसरा बेडरूम। यहां पर वार्डरोब है आपके लिए और यहां पे स्पेस मिलता है। तो दोस्तों यदि आप जयपुर में 3 बेडरूम का इंडिपेंडेंट हाउस सर्च कर रहे हैं जेडी अप्रूव्ड में तो दोस्तों ये बेस्ट ऑप्शन हो सकता है आपके लिए रेट के हिसाब से, लोकेशन के हिसाब से। दोस्तों 120 फुट रोड के पास का मकान है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। और दोस्तों अगर ये मकान आपको पसंद आया हो और इसको आप लेना चाहते हैं तो जो सामने नंबर आ रहे हैं उन पर आप बात कर सकते हैं। और ज़्यादा डिटेल के लिए आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कीजिएगा, वहाँ पर आपको सभी डिटेल मिल जाएगी, स्कीम का नाम और भी बहुत सारी डिटेल। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।